तो उस्मान गाजी बुरसा आए थे, जब बुरसा आए तो सबसे पहले वो इसी गांव में आए थे, और यहां पर जो सामान मिल रहा है ना वो सामान भी ओल्ड वही वाला है जो उस्मान गाजी के दौर में था। यहाँ के आप फील कर सकते हो कि वो कबीले में कैसे रहते होंगे। आप ये देखते होगे, ये जो चीजें है ना काई, देखो काई कबीला, ये आप जो है देखते होगे, देखो पूरा टोटल लकड़ी का बना हुआ है, ये गलियां वही लग रही है बिल्कुल, जो उस्मान गाजी में देखते है ना वही गलियां लग रही है। ये देखिए बर्तन तो वही है, देखो ये वाले जो बर्तन देख रहे हो ना आप, ये सारे बर्तन जो है उसमें देखा करते थे। ओ, ये है 700 साल पुराना भाई ये वाला घर, देखो ये घर तो एक तरह से एंडी हो चुका है, मिट्टी लगी हुई है पूरी। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो मैं हूँ इस समय बुर्सा में यानी टर्की में, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ना ये जो है ओटोमन एम्पायर का हाउस है, और यहाँ पर पांचवें सुल्तान जो है उनका यह निवास था, और यहीं पर पीछे आप देखोगे ना ये ग्रीन टॉम है, पीछे ग्रीन मस्जिद है, और मेरे पीछे जो है 600 साल पुराना जो है हमाम है उस दौर का। तो ये जो मैं सीरीज कर रहा हूँ ये बहुत मज़ा आ रहा है, बट आज जो हम जा रहे हैं ना, बुरसा क्षेत्र तो है ही आपको पता ही है शहर, लेकिन हम एग्जैक्टली उस गांव में लेके जा रहे हैं आपको बुरसा के, जहाँ पर सबसे पहले उस्मान गाजी ने यानी उस गांव को बसाया था, जो अक्सर आप जो है ड्रामा में देखते हो, वो कौन सी जगह थी, वो कौन सी वो जगह पॉइंट था जहाँ पर वो उस गांव को बसाया गया था, और वो गांव आज भी ऐसा ही का ऐसा ही है। तो इस ब्लॉग को ना आप लास्ट तक देखें, मजा आएगा, तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ से आए हैं, ये ग्रीन मस्जिद है, ये सिल्क हाउस है, और ये 600 साल पुराना हमाम है, इस पर मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूँ। और ये जो जगह है सारी, ये यूनेस्को ने इसको जगह को संरक्षित कर लिया है, और ये जो हम खड़े हैं ना एक तरह से हिल स्टेशन पर खड़े हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पर यह ओटोमन हाउस है जो आज भी ऐसा का ऐसा ही है जो आप देख सकते हो। और अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा हो तो देख लेना। ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना ये पुलिस वालों के लिए स्पेशल गाड़ी मिलती है यहाँ पर, ये देखिए, और काफ़ी अच्छी जगह है ये जिस पॉइंट पर मैं हूँ यहाँ। और ये सब कुछ ओल्ड है पूरा का पूरा, ये सब देख रहे हैं ना ओटोमन एम्पायर के दौर का है। तो अभी जो हम जा रहे हैं ना उस गाँव में जा रहे हैं जिस गाँव को सबसे पहले बसाया गया था, यानी कबीला, उस कबीले को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी ना हम ऊपर से आ गए हैं, और अभी जो चल रहे हैं यहाँ से, हमने टैक्सी की है, टैक्सी जो जाएगी मीटर से जाएगी। हेलो कार्तिक, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं ना ये ग्रीन मस्जिद से आता है, और मुश्किल से 500 मीटर का भी रास्ता नहीं है, और यहाँ का हमने टैक्सी की है, और इस टैक्सी से जो हम चलने वाले हैं उस कबीले में चलने वाले हैं जो ओटोमन एम्पायर यानी उस्मान गाजी ने बसाया था। भाई एक बात तो है, यहाँ इंडिया का अगर नाम ले लो ना, इंडिया के नाम से बहुत खुश होते हैं, बोले कार्तिक फ्रॉम देयर, मतलब इंडिया, बोले इंडिया गुड and he's like my brother Turkish. What's your name? No, Trabzon. Okay. So, अभी जो हम चल रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं ना इसका नाम तो बहुत अलग है, टर्किश नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट इसे अगर बुरसा विलेज डालोगे या उस्मान गाजी फर्स्ट विलेज डालोगे तो भी आ जाएगा। और इस जगह को भी यूनेस्को ने जो है संरक्षित किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ हमें जो टैक्सी हमने की है, तो बुरसा में मुझे काफ़ी लोग ईमानदार लगे इस्तांबुल के मुकाबले, और यहाँ महंगाई भी कम है और पोलाइटली बात करते हैं लोग। तो यहाँ हालांकि जो है मिनी बस भी जाती है उस गांव तक, और अभी टैक्सी से जाने तैयार हुए हैं, और ये मीटर से लेके जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा एक यूनिक से एक एक्सपीरियंस होने वाला है। और स्पेशली वो जगह जो कि एक तरीके से कबीला था, वो बताते हैं कि आज भी वहाँ पर जो सड़कें वगैरह हैं वो खड़ंजा है, जो कहते हैं ना गाँव में खड़ंजा है, आज भी ऐसा कैसी है। सो उसी पॉइंट को हम देखने के लिए जा रहे हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ से कच्चा जगह हो गया, इसको पक्का नहीं किया गया है, जो पहले था उसी को किया गया है, मतलब हालांकि मॉडल है लेकिन जो पहले थे ना रास्ते वो ये किए गए हैं। तो अभी जो आप अंदर एंट्री कर चुके हो ना, ये उस्मान गाजी के कबीले में एंट्री कर चुके हो, यानी यहाँ पर सबसे पहले कबीला आया था जहाँ हम चलने वाले हैं। बहुत भीड़ रहती है, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे ऊपर तो यहाँ पर जो ये कब्रिस्तान है ये देखो कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत टूरिस्ट आते हैं। और ये जब कुछ साल पहले एक्सप्लोर हुआ तो यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ गई। यहाँ पर अगर मकान वगैरह भी देखोगे ना तो सब कुछ ऐसे के ऐसे ही हैं, यानी जो कबीले टाइप में महसूस करोगे आप कि ये पहले का दौर था, इसको आज भी इन लोगों ने ऐसा का ऐसे रखा हुआ है। तो भाई ये इसका एक टैक्सी पार्किंग है जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी है, और अभी जो है ना हम चल रहे हैं, और यकीन मानिए कि ना मतलब जब मैं जा रहा हूँ ना इस कबीले में तो ना बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से एक्साइटमेंट तो हो ही रही है, बल्ला दिमाग ना उसी दौर में जा रहा है।
जहाँ से हम सड़क पर चले थे ना, और अचानक सड़क जो है वो क्रॉस कर दिया, फिर आगे जो खड़ंजा शुरू हुआ ना, वहीं से जो है दिल एक अलग तरह से चला गया। यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये सब इन्होंने कच्चा कर रखा है, ये कब्रिस्तान है पूरा जो आप इधर देख सकते हो, और ये पहला कबीला है, यानी जब ये बुरसा में आए थे ओटोमन एम्पायर, तो यहाँ जब ये फतह हुआ तो यहाँ पर वो आए थे। देखो यहाँ ये खड़ंजा इन्होंने आज भी ऐसा का ऐसे ही रख रखा है। ये स्कूल है नया जो बना है, और इधर ही पार्किंग है, बट यहाँ से आप ये खड़ंजे वगैरह देख सकते हो पूरा। और बाकायदे जो इस तरह की पहले दुकान हुआ करती थी वो सारी चीज़ें जो है देखने वाले हैं। तो अभी जो हम आपको लेकर आए ना वो उस गांव में लेकर आए हैं, यानी कबीला। देखो रास्ता भी ऐसा का, देखो सारा कच्चा कच्चा रास्ता है। और एक चीज़ है, यहाँ पर अब आओगे ना तो ये बुरसा वैली जी देखो यहाँ देख सकते हो, और इसको यूनेस्को ने जो है संरक्षित कर रखा है। ये देखो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये देखिए, तो आप देख सकते हो ये यूनेस्को की तरफ से संरक्षित है। और अभी हम जो जा रहे हैं वो देखो यहाँ से गेट है इसका, जहाँ से हमने एंट्री करी है, और आसपास यहाँ सारी दुकानें हैं। और तो मैं अभी अंदर हूँ कबीले के। यहाँ पर आप ये लकड़ी वाला मकान देखेंगे, ये देखिए इसकी रूफ़, और इसकी अगर आप ध्यान से इधर कहोगे ना तो ये जो है गोबर से लीपा गया है, जो मिट्टी से जो लीपा जाता था ना पहले, देखो ये लीपा गया है, और टोटल ये पूरा लकड़ी का है, ये देख ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो सामान मिल रहा है ना वो सामान भी ओल्ड वही वाला है जो उस्मान गाजी के दौर में था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दिखाना चाहता हूं आगे जा करके, आगे से जब जाएंगे ना तो दो मोड़ आएंगे जो हमें जो है राइट वाले में जाना है। यहाँ मैं आपको सामान दिखाता हूँ कुछ, ये देखो ये जो सामान है आपने जो देखा होगा जब वो जंग होती थी उनकी, तो उसमें अक्सर आप ये इन तलवारों वगैरह को देखते होगे, तीर कमानों को देखते होगे, और इस तरह के सामान आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जैसे कि लेदर का सबसे बड़ा काम है यहाँ पर, ये देखिए ये बना रखा है, कुल्हाड़ी सी बना रखी है इन्होंने जो उस दौर में यूज़ की जाती थी। ये देखिए ये वाला जो मकान देख रहे हैं, ये भी सब मकान पुराना आप देख रहे हैं। और अभी जो है ना दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये वाला है, ये वाला, अभी हम इस रास्ते से जो है ऊपर जा रहे हैं। एक बात तो है भाई, यहाँ के आप फील कर सकते हो कि वो कबीले में कैसे रहते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्तुगरुल गाजी जो थे वो सोगुत में रहते थे, यानी साउथ में रहते थे, और जब वो आए थे वहाँ उन्होंने कबीला बसाया था, तो 40 फैमिली को लेकर वो गए थे सोगुत में। सोगुत को फतेह किया उन्होंने, मतलब बसाया, उसके बाद जब बुरसा को फतेह किया तो उस्मान गाजी वहीं मतलब पैदा हुए, तुम्हारे की सोगुत में पैदा हुए थे। उसके बाद उस्मान गाजी बुरसा आए थे, जब बुरसा आए तो सबसे पहले वो इसी गांव में आए थे, फिर ओरहान गाजी उनका दौर आया बुरसा में, तो बुरसा जो ओरहान गाजी आए तो ये दूसरे सुल्तान थे। तो यहाँ का आप ये व्यू देख रहे हैं, और ये मार्केट देखिए सब पुरानी है। हालांकि अब तो आपको पता है कि इस जगह को चिन्हित करने के लिए सारी चीज़ें जो है दोबारा बनाई गई होंगी, या रिस्टोरेशन चल रहा होगा, बट ये काफ़ी ओल्ड आप ये देख सकते हो। तो आज एक तरह से बाजार बन चुकी है पूरी। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये वाली जो सॉल वगैरह है ना, आप जो है जो टर्किश ड्रामा आता है उसमें देखते होगे, जैसे स्पेशल आप ये देखते होगे, ये जो चीज़ें है ना काई, देखो काई कबीला, ये आप जो है देखते होगे, ये भी आप देखते होगे, सारी चीज़ें देखते होगे, ये यहाँ बनाई जाती हैं। और प्राइस भी पता करेंगे, ये देखिए ये कंप्लीट ड्रेस इस तरह की होती है जो तैयार होती है, और ये देखिए। और अभी थोड़ा हम और आगे चल रहे हैं, दिखाता हूँ, देखो पूरा टोटल लकड़ी का बना हुआ है ये, और ये तो बहुत ओल्ड है क्योंकि इनके साथ तो छेड़छाड़ी की नहीं गई है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिपेयर किए गए हैं, तो रिपेयर भी उसी भाषा में किए गए हैं जो पहले की जो चीज़ें थी। आप सड़क देखिए इनकी, खड़ंजा टाइप होता ना पहले, क्योंकि पहले इतने तो अपडेट थे नहीं, और एक तरीके से कबीला तैयार हो जाए, लोग आराम से रह लें, तो यही काफ़ी था। अभी और आगे चल रहे हैं हम, ये आप देखिए अंगूर की बेल, इसमें तो अंगूर आ भी रहे हैं, ब्लैक अंगूर आ रहे हैं, सब कुछ ओल्ड पूरा। और यूनेस्को ने इसको जो है जगह को संरक्षित कर लिया, और अब ये यूनेस्को की आप साइड पे देख सकते हो। अभी और आगे जा रहे हैं भाई, गलियां वही लग रही हैं बिल्कुल, जो उस्मान गाजी में देखते हैं ना वही गलियां लग रही हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो मैं ना अभी यहाँ पर एक ये रेस्टोरेंट सा है इसके अंदर आया हूँ, फील तो बहुत ही दे रहा है पुरानी वाली,
अब ये देखना है कि ये डेकोरेट पुराना है या ऑलरेडी पुराना ही है। ये देखिए भाई, यहाँ तो काफ़ी ओल्ड दिखाई दे रहा है। ये देखिए टोटल जो वर्क है ना वो उसी दौर का मिलकर रखा हुआ है। और यहाँ से मैं आपको जो है थोड़ा अंदर लेके जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो उस दौर में बर्तन यूज किए जाते थे। नो डाउट ये नए होंगे बट उसी स्टाइल में है, उसी फॉर्मेट में है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको सोकुत मार्केट है, इसी तरीके से लग रहा है। ये देखिए काफ़ी ओल्ड उसमें हम आ चुके हैं। अगर ये छत वगैरह देखोगे ना तो ये तो आप देखते ही होंगे, उस समय तो खैर छत भी इस तरह की तो नहीं हुआ करती थी, दूसरे स्टाइल में हुआ करती थी, बट ओवरऑल आप वो फील ले सकते हो। चलो अभी मैं बाहर से कुछ और दिखाता हूँ आपको। बर्तन तो वही हैं, देखो ये वाले जो बर्तन देख रहे हो ना, आप ही सारे बर्तन जो है उसमें देखा करते थे। ये देखिए पूरा ओल्ड स्टाइल। मैंने ना बहुत सर्च करने की कोशिश की कि आखिर कुर्दुगलू जो है वो उसी कब्र का है, लेकिन कहते हैं ना जो बुरे लोग होते हैं उनकी कब्र का क्या पता, तो पता नहीं चल पाया ना मुझे उसके शहर का पता चल पाया ना मुझे उसके पॉइंट का पता चल पाया, तो यहाँ उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। बोले यार कुर्दुगलू के बारे में एक मन था जानने का। यहाँ मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये है 700 साल पुराना और बाकायदा इस पर यूनेस्को का ये बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए और यहाँ से आप देख सकते हो, अब ये घर है ये क्या है ये तो हमें पता नहीं, बट ये काफ़ी ओल्ड है और ये इसी रेस्टोरेंट के जस्ट सामने है। ये काफ़ी पुराना है, इसके अंदर तो मुझे लगा जाना भी अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। ये तो गेट वेट तो सब बाद में लगाए गए होंगे मेरे हिसाब से, हाँ बाद में लगाए गए होंगे। ये देखिए तो भाई जो है ना इनसे हमारी बात हुई, तो जो मैं कह रहा हूँ वही बात भाई कह रहे हैं कि अर्तुल गाजी जो थे उन्होंने कबीला बसाया था अपना 40 फैमिली के साथ, वो सोगुत में बसाया था, और उस्मान गाजी जो है वो यहाँ आए थे और उस्मान गाजी ने जो है यहाँ बसाया था। हालांकि उस्मान गाजी जो पैदा हुए थे वो सोगुत में पैदा हुए थे, उसके बाद जो ओरहान गाजी थे फिर उन्होंने यहाँ की मतलब कमान संभाल ली थी, यानी दूसरा सेकेंड ऑटोमन एम्पायर यानी बादशाह। तो मैं अभी यहाँ पर हूँ, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से ना फील हो रहा है। जो सामने वाला जो घर है वो 700 साल पुराना है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और मतलब एक अलग ही फील आ रही है। तो अभी ना यहाँ पर रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उन्होंने कहा बहुत पुरानी चीज़ें हैं देखने के लिए, देखो ये काफ़ी ओल्ड है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि ये दोबारा रिपेयर नहीं की गई होगी या बनाई नहीं गई होगी, लेकिन काफ़ी ओल्ड यहाँ पर जो दिखाया गया है, तो एक तरह से मॉडल तैयार किया गया है। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, वाह यार देख रहे हो यार काफ़ी ओल्ड है यार। ओके तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ देखो अब काफ़ी चेंज हो चुका है, धीरे धीरे ये तैयारी चल रही है, बट यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के ऊपर में तैयार हो चुका है। तो ये आपने काफ़ी ओल्ड ये पैटर्न देखा होगा ये वाला जो आप देख सकते हो, और अब तो यहाँ पर जो है एक तरह से रेस्टोरेंट होटल तैयार हो गया है, ये आप देख चुके हो। ये भी बहुत कुछ ओल्ड है, ये देखिए तो काफ़ी कुछ हमने ओल्ड देखा। और यहाँ से अभी जो हम जा रहे हैं ना इस साइड में जा रहे हैं, जैसे मैंने कह रहा हूँ ना कि कोई भी जगह अब यहाँ पर एक दो जगह को छोड़कर कोई जगह चिन्हित नहीं है, जैसे वो 700 साल पुराना जो घर है वो तो जगह चिन्हित है, बाकी 90% तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, बट गलियाँ वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी की ऐसी ही छोड़ रखी हैं, और इसको उसी मॉडल में तैयार किया गया है ताकि लोग पहचान पाएँ कि यहाँ पर जो है उस्मान गाजी उनका यहाँ पर कबीला आया था। हेलो, हाँ दो लकड़ी बिन रही हैं पुरानी स्टाइल में, आग जलाते भी हैं यार देखो ये मतलब, हाँ वही तो। तो ये काफ़ी आगे तक जा रहा है बट अभी हम चल रहे हैं, और बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, स्पेशली अंग्रेज लोग हैं ना काफ़ी आते हैं। तो अभी हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं, दिखाते हैं कुछ आपको। देखो यह 700 ईयर, ये भी काफ़ी ओल्ड है, देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए काफ़ी ओल्ड आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ना गांव का नाम लिखा हुआ है जुमली की जीक, आप मुझे मेरी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करें। और ये देखो पूरा ऊपर मिट्टी लगी हुई है, देखो घर पे पूरी की पूरी मिट्टी लगी हुई है, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे अब गिरा। काफ़ी ओल्ड आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी जो हम
नीचे चल रहे हैं कुड़हाड़ी। दूर से पता कैसे लग रही है, ओरिजिनल लग रही है बिल्कुल। भाई ये वाला घर देखो, ये घर तो एक तरह से एंड ही हो चुका है, मिट्टी लगी हुई है पूरी, गिरने वाला है बट हमारी नज़र में, लेकिन गिरेगा नहीं है। ये देखिए तो अभी और हम नीचे जा रहे हैं जहाँ से हम कुछ और देखने वाले हैं। यहाँ देखिए इसके अंदर एक रेस्टोरेंट सा भी है जो लोग कुछ खा रहे हैं, और बट अभी जो हम चल ही रहे हैं आगे। इधर यह फ्रूट्स की शॉप है, एक तरह से कैफ़े आप कह सकते हो इस साइड में, और इस साइड में भी एक रेस्टोरेंट सा है जो बिल्कुल काफ़ी ओल्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर ना पुरानी चाय बनी है, डेजर्ट चाय बन रही है, और देखो कैसे चाय बनती थी पहले, वाकई में यार यूनिक। इसका टेस्ट लेके देखते हैं। तो देखो ये बन रही है ओल्ड चाय, ये देखिए रेत नहीं चले जाए इसके अंदर। ओ काफी अच्छा बना हुआ है अंदर से देखो काफी, और यहाँ पर बैठ के भी सकते हो। और अभी रेट क्या है, रेट मैं अभी आपको बताऊंगा। तो भाई ये चाय का ना प्रोसेस होता है, और ये जो गर्म रेत होती है उस पर तैयार की जाती है। अब टैलेंट देखो, इनकी एक बूंद भी जो है ना मतलब रेत के अंदर नहीं जाएगी, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो भाई मैंने कॉफ़ी ले ली है, कॉफ़ी की प्रेजेंटेशन देखो कितनी शानदार है। और ये जो कॉफ़ी है ना ये रेत में तैयार की गई है, यूनिक टेस्ट है भाई। मतलब ना कॉफ़ी ना मतलब कड़वी लगती है, बस इसका टेस्ट है ना, टेस्ट तो है बस सुपर। ये ब्लैक टी है, लेकिन इसमें क्या है ये तरह से शुगर है, अच्छी लग रही है। गजब यार गजब, मजा आ गया, रियल में मजा आ गया। बट इसमें डाल सकता हूँ मैं, इसको अलग से खाऊंगा, अच्छी लग रही है। तो भाई काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा मुझे कॉफ़ी का, मज़ा आया। 25 इन्होंने लिए, यानी 25 लीरा लिए, लेकिन टेस्ट में मज़ा आ गया, सुपर गुड एक्सपीरियंस भाई। तो मैं अभी नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे एक घर और दिखाई दिया है, और ये देखता हूँ कितना पुराना है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है भाई, इस गाँव के बारे में लिखा हुआ है, और मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों हम नीचे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस गांव में, और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी आपको दिखाने की, दिखा दिया। काफ़ी ओल्डेस्ट गांव है ये, ये देखिए ये उस्मान अली यहां से एवे, आप देख सकते हो यहां पर बहुत सामान है ओल्ड बिल्कुल टाइप का। और यहां पर जो है, चलो यहां और चलता हूं अंदर और दिखा सकता हूँ मैं आपको कुछ ना कुछ। एक तरीके से किचन है ये देखिए, चलो अभी थोड़ा सा मैं अंदर लेके जाता हूँ आपको। साबुन, आई थिंक साबुन होंगे ना, हाँ साबुन और जूना, जो जूना चला करता था ना साबुन, ये देखो इस तरह, ये देखो गांव पूरा। आऊँगा अभी, आऊँगा, हाँ काफ़ी ओल्ड है। तो आंटी बुला रही थी बट मैं नहीं जा रहा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। अभी मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ पर वही टोपी वगैरह जो है आप उस्मान गाजी के दौर की जो हैं, देखो यहाँ से गए थे हम और इधर से वापस आ गए, और ये पूरी मार्केट है। और यहाँ के बारे में तो बताया मुझे कि पहले भी यहाँ पर एक बाज़ार हुआ करती थी, जैसे आप लिखते हो ना सोगत की जो मार्केट दिखाई गई थी, इसी टाइप की एक तरह से बाज़ार हुआ करती थी जो अभी भी आप एक तरीके से यहाँ देख रहे होगे, ये देखिए। तो बहरहाल आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ आने के लिए हमने हम जो आए थे ग्रीन टॉम्स आए थे, ग्रीन टॉम्स से लगभग ये 12-13 किलोमीटर है। ग्रीन टॉम यानी जो पांचवें सुल्तान रहे हैं ओटोमन एम्पायर के, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। आप डालोगे ना उस्मान गाजी विलेज,
तो आप यहाँ पर आ जाओगे। और अब मैं दोस्तों इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत बढ़िया। ये यहाँ का एक तरह से चौक है, जब लोग आते हैं तो यहाँ पर जो है एक तरह से फ़ोटो खिंच पाते हैं, ये देखो। और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।